अमीषा भगत महाराष्ट्र से। नमस्कार। सूर्य की किरणें वसुंधरा को स्पर्श करने से पहले जिसकी सुबह वेदों के मंत्रों से और आर्यों के पवित्र ग्रंथों से होती थी, जहां से समंद विश्व को एक धागे में बांधने वाली कुरुवेम तो विश्वार्यत या आर्यों की वाणी चारों दिशाओं में गूंजती थी, जहां से भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण विश्व को नैतिकता का पाठ पढ़ाया और बुद्ध ने शांति का संदेश। यही तो है हमारी ये भारत भूमि, और इसलिए तो कहते हैं कि दुर्लभम भारत जन्मो। अरे अरे भारत तो छोड़ो, पूरा विश्व अगर राष्ट्र बनने जाए तो उसका भी संविधान बनने की ताकत रखने वाले यहाँ के लोग, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति। और मैं इसी भारतवर्ष की बेटी महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए आपके सामने विषय प्रस्तुत करना चाहूंगी, देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण। अब दोस्तों, ये देशभक्ति होती क्या है? ये देशभक्ति एक व्यक्ति और वतन के बीच के भावनाओं का संबंध दर्शाती है। ये देशभक्ति वतन के लिए मर मिटने का साहस निर्माण करती है, वतन के उन्नति के लिए संघर्ष करना सिखाती है, संगठित होना सिखाती है। किंतु ये तो हो गई आम बातें। असली देशभक्ति तो वो है जो वतन के, इस राष्ट्र के निर्माण के आड़े आने वाले हर एक बाधा के खिलाफ उठी एक आवाज है, फिर चाहे वो बाधा सरकार द्वारा निर्मित हो, कोई भी अलगाववादी, धार्मिक, जातिवादी, संकुचित समुदायवादी या दंगलशाहीवादी, कोई भी बाधा हो, तथा राष्ट्र के मान सम्मान और विकास हेतु आने वाले हर एक बाधा को दूर करना और परिवार के सदस्य की हैसियत से नहीं, किंतु राष्ट्र के प्रथम नागरिक के तौर पर अपने मूल संविधानिक कर्तव्य का निर्वाहन करना भी देशभक्ति है। ये देशभक्ति हमें सिखाती है हमारे संविधान को अबाधित रखने का प्रयास करना, क्योंकि विविध धर्मों के रंगों से सजे इस भारत देश में कुरान कहता है मुसलमान बनो, भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, किंतु भारत का संविधान एकमात्र है जो कहता है भारतीय बनो। अब ये देशभक्ति कहीं चंद छोटी छोटी भावनाओं की एक लंबी कतार है, जो सरहद पर लड़ते हुए जवान के लिए हमारे मन में होती है, जो तिरंगे पर आ जाने पर हमारे मन में लगते, जो हमारे सर्वधर्म समभाव की संस्कृति को लेकर हमारे मन में होती है, जो हमारे बीच के भाईचारे को लेकर हमारे मन में होती है, जो उन महान पुरुषों, क्रांतिकारों और संतों के लिए हमारे मन में होती है। अभी इसी देशभक्ति से अगर राष्ट्र निर्माण करना है तो जरूरी है सबका साथ और सबका विश्वास। 2014 में सबका साथ और सबका विकास की शुरुआत हुई थी, किंतु आज अगर देखा जाए एनआरसी सीएए जैसे मामलों में हमें दिखाई देता है कि आज भी हमारे देश का एक समाज ऐसा है जिसका देश के लोकतंत्र पर और इस संविधान पर विश्वास नहीं है। ये विश्वास प्राप्त करना जरूरी है, इसलिए बाद में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ जोड़ा गया। दोस्तों, अब जरूरी है हमें साथ आके संगठित होके कार्य करना, क्योंकि जब जब हम असंगठित हुए हैं तब तब हमें हानि ही हुई है। जब जब हमने नए विचारों से अपना मुंह मोड़ लिया है तब तब हम विदेशी शासन के अधीन हो गई है, और इसलिए अब संगठित होके कार्य करना जरूरी है, क्योंकि कंधों से मिलते हैं कंध, कंधों से कदम मिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंध, कदमों से कदम मिलते हैं। जब चलते हैं हम इस तरह तब दिल दुश्मन के भी हिलते हैं, दिल दुश्मन के भी हिलते हैं। दोस्तों, आज जरूरी है उन महान पुरुषों की, संतों के विचारों पर चलने की। श्री संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा था अंत्योदय, मतलब अंत का उदय। इसी अंत्योदय से प्रेरणा लेते हुए गांधी जी ने 19वीं सदी में फिर से अंत्योदय की शुरुआत की। गांधी जी ने कहा कि गांवों की ओर चलो, क्योंकि हमारे देश की शुरुआत और अंत ये गांव है, और जब तक हमारे राष्ट्र के अंत के गांव का, अंत का व्यक्ति शिक्षित, साक्षर एवं विकसित नहीं हो जाता तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। अब जरूरी है राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे देश में मतदान साक्षरता की। दोस्तों, कहा जाता है इस लोकतंत्र भारत में देश की सरकार देश का विकास करती है, किंतु हमें ऐसा लगता है कि देश के सरकार से पहले हमारे राष्ट्र का विकास मैं, आप और मतदान करने वाला हर एक वो नागरिक करता है जो मतदान करता है, जो चुनाव के दिन मतदान करता है, और यही मतदान जब पूरी साक्षरता के साथ होगा तब जाके हमारा देश विकसित होगा, ऐसा हमें लगता है।
इसी के साथ साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का मूल्यांकन बढ़ाना है तो आर्थिक मूल्यांकन बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पहले हमारे भारत में होने वाले आर्थिक समस्याओं को हल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर भ्रष्टाचार के रूप से जो काला धन आता है उससे साथ साथ नकली नोटों का छपना बंद करना जरूरी है और हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपना टैक्स का भुगतान वक्त पर करे। और इसी के साथ साथ अब जरूरी है हमारे स्त्रियों की इज्जत। दोस्तों आज हमारे देश में शारदा सरस्वती समझकर स्त्रियों की मंदिरों में पूजा की जाती है तो उनकी इज्जत नहीं की जाती। एक तरफ मंदिरों में इन स्त्रियों को पूजा जाता है तो दूसरी तरफ उन्हीं के मासिक धर्मों के दिनों में उन्हें मंदिर में जाने से मनाई करके उनके अभिव्यक्ति स्वातंत्र को छीन लिया जाता है। अब राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम स्त्रियों की सिर्फ पूजा नहीं बल्कि उनका मान सम्मान आदर करेंगे और यही देशभक्ति होगी। अब देशभक्ति वही होगी जब हम एक गरीब को, एक पैसे मांगने वाले गरीब को भिखारी न समझ के मजबूर समझे, उसकी समस्या का हल निकाल के उसे काम करने के काबिल बनाएंगे और यही देशभक्ति होगी। अब राष्ट्र निर्माण अगर संभव करना है तो संगठित होना जरूरी है और उसका एक अहम पहलू है मैं, आप, हम युवा। दोस्तों आज अगर देखा जाए तो एक तरफ 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ये सब बाह्य युवकों की संकल्पना है, किंतु हमारा युवक, आज हमारा युवक गाय, गोमांस, बलात्कार, चोरी, डकैती, इन सारी चीजों में अड़का हुआ है। अब इस युवक को इससे बाहर आना जरूरी है। किंतु दोस्तों हर सिक्के की जैसी दो बाजुएं होती है वैसे ही हर परिस्थिति की भी होती है। अगर एक तरफ हमारा युवक गलत चीजों में है तो दूसरी तरफ हमारे ही राष्ट्र का अजिंक्य नाम का लड़का एजस बुक नाम का सॉफ्टवेयर निकालता है। जापान यह सॉफ्टवेयर करोड़ों रुपए में लेने के लिए तैयार होता है लेकिन जापान को न देते हुए जब ये युवा हमारे देश के लिए काम करता है तो युवकों के मन में होने वाली देशभक्ति और उससे होने वाला राष्ट्र निर्माण हमारे सामने होता है। अब कौन कहता है कि भारत राष्ट्र निर्माण की ओर नहीं चल पड़ा। आज ईरान और अमेरिका में होने वाले इस युद्धजनक परिस्थिति में ईरान जब भारत से अनुरोध करता है कि भारत कोई ऐसी भूमिका ले जिससे ये युद्धजनक परिस्थिति थम जाए, शांत हो जाए, ये भी तो राष्ट्र निर्माण है ऐसा हमें लगता है। अब हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे राष्ट्र होने वाली चंद छोटी छोटी समस्याओं का हम हल नहीं निकाल लेते। अब इन छोटी छोटी समस्याओं का हल निकालने के लिए सबका साथ होना जरूरी है। हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास में ही राष्ट्र की उन्नति है, यह समझना जरूरी है। क्योंकि हमारे राष्ट्र में कई सरकारें आएंगी और जाएंगी किंतु राष्ट्र वही रहेगा, उसके नागरिक भी वही रहेंगे और इन सारे नागरिकों का बस एक ही धर्म होना चाहिए और वो है राष्ट्रधर्म। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री कृष्ण परमहंस जी ने बहुत खूब कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस देश के लोग भूखे सो रहे होते हैं उस देश की पढ़ी लिखी आवाम गद्दार है। अब सबका साथ सबका विकास सिर्फ धार्मिक स्तर पर नहीं किंतु हर एक चीज में, हर एक बात में एक दूसरे की सहायता करना ये होता है। अब इन चंद छोटे छोटे समस्याओं का हल निकालने के लिए सरकार को किसी अभियान या मिशन की शुरुआत करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम सब सामान्य नागरिकों को आगे आने की जरूरत है। अब बाद में स्वच्छता करने से अच्छा है कि पहले कचरा ही नहीं किया जाए, बाद में तंबाकू की थैली पर कैंसर लिखने से अच्छा है उसका उत्पादन ही बंद किया जाए, बाद में प्लास्टिक का उपयोग बंद करने से अच्छा है उसका उत्पादन बंद करके प्लास्टिक की जगह कागज की थैली का उपयोग किया जाए, बाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से अच्छा है कि पहले ही भारत का हर एक नागरिक अपना कार्य पूरी सरलता, सच्चाई और निष्ठा से किया जाए, बाद में महिलाओं के लिए समाज में लड़ने से अच्छा है, उनके न्याय के लिए लड़ने से अच्छा है कि पहले ही समाज को उनकी इज्जत, उनका आदर करना सिखाया जाए, बाद में ट्रैफिक पुलिस को जुर्माने के तौर पर पैसे देने से अच्छा है कि उन्हीं पैसों से एक हेलमेट खरीद कर ट्रैफिक के नियमों का पालन किया जाए। इसी देशभक्ति से अगर हम चलेंगे तब जाके हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा दोस्तों। अब जब तक हमारे राष्ट्र में से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बाल शोषण, वेश्यावृत्ति, आर्थिक अभाव, अनुसूचित जाति जमातियों को ऊपर नहीं उठाया जाता, हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों को नहीं रोक दिया जाता, तब तक हमारा राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। और जब ये सब हमारे राष्ट्र से निकल जाएगा तब शेक्सपियर के शब्दों में हिंदुस्तान एक ऐसी जगह होगी जहां मानव स्वर्ग समान आनंदमय जीवन व्यतीत करेगा। दोस्तों कौन कहता है कि भारत ने कुछ नहीं किया? अरे जिस देश के स्वतंत्र संग्राम की अमर गाथा है संपूर्ण विश्व के इतिहास में सुवर्ण पन्नों में लिखी जाती है ऐसा भारत हमारा राष्ट्र है।
आज भारत ने जो हासिल किया है वो शायद किसी और राष्ट्र के लिए संभव भी नहीं हो सकता। फिर कार्टोसैट 3 उपग्रह से लेकर चंद्रयान 2 तक, अंतराल यान के यान से लेकर अंतराल स्टेशन तक, उसके साथ साथ गंगा किनारे की स्वच्छता से लेकर गंगा के माइक्रोबियल विविधता को ढूंढने तक, भारत का ताजमहल से लेकर पूरे जग की सबसे बड़ी प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी तक, एशिया का सबसे बड़ा सुरंग चेन्नई से लेकर नेशरी तक, से एशिया का सबसे बड़ा पुल बांधने तक, और इसी के साथ साथ हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को चैंपियंस ऑफ अर्थ के अवार्ड से नवाजने तक भारत ने जो किया है वो तो काबिले तारीफ है। अब हिंदुस्तान होगा स्वर्ग समान जब होगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। धन्यवाद।